दोस्तों अगर आपके पास आईफोन नहीं है और आप कुछ इस तरीके से अपनी वीडियो में स्लो मोशन और फास्ट मोशन ऐड करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर भी हैं तो दोस्तों आप अपनी वीडियो में कैसे स्लो मोशन और फास्ट मोशन ऐड कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम की रील्स बना सकते हैं जिसमें आप स्लो मोशन भी ऐड कर सकते हैं, फास्ट मोशन भी ऐड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों जो मेरे दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? और मेरा नाम इंतखाब और आपका मेरे चैनल आईसी टेक्निकल के आज में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मैं आज आपको बताने वाला हूं, अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हैं, आपके पास आईफोन नहीं है और आप अपनी वीडियो में स्लो मोशन या फास्ट मोशन ऐड करना चाहते हैं, तो दोस्तों कैसे आप अपनी वीडियो में स्लो मोशन और फास्ट मोशन ऐड कर सकते हैं एक प्रोफेशनल तरीके से। तो दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों आपको वीडियो में स्लो मोशन और फास्ट मोशन ऐड करने के लिए अपने फोन में प्ले स्टोर से वीटा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं ये मैंने अपने फोन में डाउनलोड कर लिया है। इसी एप्लीकेशन को दोस्तों आपको डाउनलोड करना है। काफी अच्छी इसकी रेटिंग है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं 4.4 और इसके दोस्तों जो डाउनलोड है वो डाउनलोड 5 करोड़ से ज्यादा है। दोस्तों इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करें और अपनी वीडियो में फास्ट मोशन और स्लो मोशन को आप ऐड कर सकते हैं इसी से। तो दोस्तों कैसे आप स्लो मोशन और फास्ट मोशन ऐड कर सकते हैं ये मैं आपको दिखा देता हूं। यहां से दोस्तों ओपन पर क्लिक करना है। ओपन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों इस तरह से एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। यहां से दोस्तों आपको प्रोजेक्ट पर जाना है, नीचे जैसे कि आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट, और यहां से दोस्तों आपको कोई भी न्यू प्रोजेक्ट लेना है। जैसे कि दोस्तों मैं ये देख लेता ले लेता हूं न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट पर जाने के बाद दोस्तों जैसे कि मेरे पास एक वीडियो है ये वाली, दोस्तों मैं इसे आपको स्लो मोशन और फास्ट मोशन में ऐड करके दिखाता हूं। ये है दोस्तों, यहां से दोस्तों मैं इसे कर देता हूं। ये दोस्तों मैं इसका प्रोजेक्ट ले लेता हूं, लोडिंग चल रही है, प्रोजेक्ट आ गया है दोस्तों। तो मैं इसकी आवाज कर देता हूं दोस्तों स्लो। यहां से दोस्तों मैं इसे चला के दिखाता हूं। ये है नॉर्मल स्पीड इसकी, ये दोस्तों नॉर्मल स्पीड है। अब दोस्तों अगर इसे आपको स्लो मोशन और फास्ट मोशन में करना है तो मैं आपको दिखाता हूं। यहां से दोस्तों आपको जाना है और यहां से ये इतना करने के बाद इसी पर आपको क्लिक करना है। ये जो प्रोजेक्ट है आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको स्प्लिट का ऑप्शन मिल रहा है कॉर्नर में, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। यहां से कट हो जाएगी, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों मैं यहां पर क्लिक कर यहां पर आगे कर देता हूं। इस यहां पे आगे करने के बाद यहां से दोस्तों आपको फिर से स्प्लिट कर देना है। उसके बाद दोस्तों अगर आप फिर से स्प्लिट करना चाहते हैं तो यहां से फिर से कर देंगे, तो मैं यहां से फिर से कर देता हूं। ये करने के बाद दोस्तों यहां से फर्स्ट वाले पे ये देख सकते हैं दोस्तों स्पीड, स्पीड पर आपको क्लिक करना है। स्पीड पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों अगर आपको इस यहां इस पोर्शन को फास्ट करना है तो यहां पर ये 1 पे है, 1.0 पे, तो दोस्तों यहां पर आपको कर देना है 2.0। ये करने के बाद दोस्तों ये नेक्स्ट वाले को क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाले पर जाने के बाद दोस्तों इसे कर देना है स्लो मोशन, तो ये मेरा स्लो मोशन हो गया। उसके बाद दोस्तों इसे कर देना है हमें फास्ट मोशन, ये फास्ट कर लिया। इसे कर देना है हमें स्लो, इस तरह से कुछ कर देंगे। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं ये मैंने कर दिया है। ये करने के बाद यहां से अब मैं जाता हूं फर्स्ट वाले पे और इसे मैं आपको चला के दिखाता हूं। ये देखिएगा कितना तेज चल रहा है ये। अब ये देखिए कितना स्लो हो गया है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कितना ज्यादा स्लो हो गया है। आप जितना भी ज्यादा स्लो करना चाहते हैं इससे कर सकते हैं इसी तरह से। अब मैं आपको इसे आगे करके दिखाता हूं। यहां से दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं अभी तक दोस्तों ये स्लो है। अब देखिएगा एकदम फास्ट आएगा, ये फास्ट हो गया। उसके बाद फिर से हमने स्लो किया था तो दोस्तों आप देख सकते हैं फिर से स्लो हो गया है। तो इस तरह से आपको करना है। मैं आपको कोई और दूसरी वीडियो भी दिखाता हूँ। ये देखिएगा इसे मैं चला के दिखाता हूँ। ये देखिएगा इसकी ये वाली स्पीड है। तो गाइस इसे मैं अगर दो पार्ट्स में अगर इसे डिवाइड करूँ तो ये देखिएगा यहाँ से मैं स्प्लिट कर देता हूँ। ये वाला दो पार्ट में डिवाइड हो गया है और यहाँ से मैं इसे कर देता हूँ, इस वाले पोर्शन को मैं कर देता हूँ स्लो। ये स्लो करेंगे तो बैक साइड में जाना होगा और फास्ट करेंगे तो आगे को करना होगा, फॉरवर्ड करना होगा। तो इस तरह से अब मैं इसे आपको चला के दिखाता हूँ। ये देखिएगा कितना तेज चल रहा है ये। अब फिर देखिए स्लो हो गया। तो इस तरह से दोस्तों आप कर सकते हैं। और ये करने के बाद जब इसे आप ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पर ये जो एरो का दिख रहा है इस पर एरो पर क्लिक करना है। जब आप इसे सेव करेंगे तो एरो पर क्लिक किया ये करने के बाद, उसके बाद यहाँ से क्लिक करेंगे एक बार और, तो क्लिक करने के बाद यहाँ से एक्सपोर्ट का आ जाएगा। और एक्सपोर्ट में दोस्तों आपको यहाँ पर क्वालिटी मिल जाती है। यहाँ से देख सकते हैं आप 320, 480, 720 या 1080 यानी फुल HD तक में भी इससे दोस्तों आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मैं इसे फुल HD में करूं तो ये 4.8 MB का बनेगा। और यहां से मैं एक्सपोर्ट पर क्लिक कर दूंगा तो ये देखिएगा ये हो रहा है सेव, तो ये मेरी गैलरी में सेव हो जाएगा। अब मैं इसे आपको चला के दिखाता हूं। ये गैलरी में सेव हो गया है, ये देखिएगा
और ये स्लो हो गया। तो इस तरह से दोस्तों आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। दोस्तों आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। तो दोस्तों मिलता हूं फिर एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।